आंदोलन में कहीं रहोगे तो आपके घर की याद नहीं आएगी, अपने खेत की मिट्टी अपने हाथ में लेकर चलना, यह आंदोलन का इसका हिस्सा रहेगा। हरियाणा की खाप पंचायत मिल जाए, पंजाब जैसा साथी मिल जाए, क्रांतिकारी देश का किसान मिल जाए, इनकी हिम्मत है कि ये बिल वापसी ना लें, ये लेंगे, ये बिल वापसी भी लेंगे, एमएसपी का कानून भी बनेगा, इनका इलाज करा जाएगा, इलाज करा जाएगा, इलाज इलाज कराने, पत्थर का गांव था कि इलाज कराएंगे, जनता ने करा इलाज, उतर अपनी ही धरती पर नहीं उतरेगा। हमारे दिल्ली जाने वाले पंजाब के सरदार और हरियाणा का जो किसान गया, उनको लाठी चार्ज करा, उनके ऊपर सुबह के गोले चलाए, तुम्हें भुगतनी होगी, तुम अपनी ही जमीन पे प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। हमने कहा ये किलेबंदी जो है, जब जब राजा डरता है किलेबंदी करता है, उनका तो खा पंचायत वाले ले जाएंगे पार्टी के, जो किले पिले से सारे के सारे ले जाएंगे पार्टी। ये किसान की लड़ाई है, किसी जाति की लड़ाई नहीं है, बट मत जाना, ये बांटने की कोशिश करेंगे, हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, ये तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम कोड़ी भरने की कोशिश करेंगे, नहीं बटेगा। क्योंकि ये रहा नहीं पा रहा कि इसकी जड़ कहाँ है, हमने बता दिया जड़ है हमारे गांव में, ढूंढने जड़ है खाप पंचायत के पास में, जड़ है गुरुद्वारों में, ढूंढो। आप बांटने का काम करते हो, आप हिंदू और मुस्लिम को बांटोगे, आप सरदार और दूसरे जातियों को बांटोगे। सरदार का तो यह हाल कर दिया था कि वो तो 40 साल तक भी पानी नहीं मांगता, उसको देश का गद्दार करार दे दिया था इन्होंने, अगर आप लोग उनके पीछे ना खड़े होते। सरकार को ये रहा नहीं पा रहा कि इसकी जड़ कहाँ है, हमने बता दिया जड़ है हमारे गाँव में, ढूंढने जड़ है खाप पंचायत के पास में, जड़ है गुरुद्वारों में, ढूंढो। कहते कहते बोल आपके पाड़े में, कहती हमने भाई गांव में भेज दी। जो उस दिन की घटना थी ना, अगर उस दिन सरकार कामयाब हो जाती, ये किसान बिरादरी भी गई थी और सरदार बिरादरी का तो सरदार का तो ये हाल कर दिया था कि वो तो खत्म कर दिया था, आपस में लड़वा दिए थे, एक नफरत पैदा कर दी कि भाई किसान ने बहुत बड़ा पाप कर दिया, वहां पर वो करवा दिया। मतलब हम बहुत बार धरने देते हैं, हम यहाँ से हर बार कह के जाके हम भाई पार्लियामेंट पे जाएंगे, ईट से ईट बजा देंगे, वहां जाएंगे। कोई गया कभी? एक आदमी मेरे शाम को गया और सुबह 9 बजे लाल किले पर झंडा लग रहा बंधन। अरे मतलब 26 तारीख को एक आदमी ने पहले दिन घोषणा करी 25 में, और अगले दिन उसे पठाया गाड़ी में, वहां छोड़ दिया और 100 लोग और ले गए भगा गए। पहले लाल किला तो तारा है, कब्जा करो लाल किला, लाल किला था को राजा पड़ता थी क्या, और लाल किला कब्जा कर दिया, वो कर दिया दे के सारा लोगों को भगा कर वहां पर ले के, वो तो चाल समझ गए किसान, ये तो बर्बाद हो गया था किसान तो। ये धरने जिस तरह से चले हुए हैं और जिस तरह से हरियाणा का नौजवान, महिलाएं, बुजुर्गवार, खाप पंचायत जो ये आए हैं ना निकल गए, और यही सिस्टम पूरा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक से आगे 2000 लोग कर्नाटक से, पहले आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, कोई ट्रेन बंद थी, हमने कहा चढ़ो ट्रेन को, रोकते थे लोगों के घर पर नोटिस, ट्रैक्टर कौन सा जा रहा, कौन लेके जा रहा, इसका ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन, हर मका बिना रजिस्ट्रेशन गए तो जा रहे, 10 साल पुराने का तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं, हम तो मका इन्हें नए बदल दो भाई, जो उनसे कोई इतराज हो, अगर दिल्ली में नहीं चल सकता तो नया दे दो, इसे तम रख लो 10 साल पुराना। हमने कहा कि दिल्ली की कहां एनजीटी का ऑफिस है, वो वहीं चलेगा, कानून पता है ना, ये है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता, वे ट्रैक्टर सारे दिल्ली में चले शांतिपूर्ण तरीके से अपने वापसी आए, ये सारे के सारे जो 40 आदमी हैं, ये सारे एक हैं, ये जितने भी गठबंधन है हमारा, हमारा पूरा मजबूत है, किसी की ड्यूटी कुछ है, मेरी ड्यूटी प्रेस पर लगा रखी, मैं उन्हें बकाउ सकूं जो, और मैं जा
कहाँ जाता पढ़े लिखा हूँ भाई, मैं भी थाले में तो जा रहा हूँ। ये बात कुछ जुदा मैं बताओ जो एक आदमी कुछ चूक चूक निकल जाए मैं कहूँ जा। आपने ये कहा, मैंने कहा मैं लाठी को ले जो झंडा लगाऊंगा, नु कही था लाठी मंगाई। अरे हमने भाई झंडा लगाने के लिए जो ट्रैक्टर में आता झंडा लगता है वो लाठी में लगता है, जो छोटा हाथ में झंडा पकड़ता है वो डंडे में लगता है, उसको गोदी भी कहे। अब इन्होंने पूरी किलेबंदी दिल्ली की कर दी, तार लगा रखे, कंटे लगा रखे, चौपे लगा रखे, कल उसके पांव फूट गए हमारे लोगों के वहां। हमने कहा ये किलेबंदी जो है, जब जब राजा डरता है किलेबंदी करता है, और उसका तो खा पंचायत वाले ले जाएंगे पाड़ के, जो किले पिले से में सारे के सारे ले जाएंगे पाड़ के, उसको बोलेंगे माफ है। इसमें होगा अनाज बंद, जो गरीब का अनाज बंद वो होगा, वो इसी किलेबंदी के अंदर बंद होगा। जो गोदाम बने हुए हैं उन गोदामों में इसी तरह की फेंसिंग होगी। किसी आदमी की मति बंदर को तो बहुत चलना बतावे, वो भी नहीं जानेगा इस तरह की किलेबंदी है। छच्चे हुए लेयर लग रही उसकी तार की, फिर तो मतलब क्या मामला हो गया, मतलब सारी दिल्ली बांध दी, क्यों ना बांध दी, ये किनसे जनता दुखी हो और जनता इनको कहे। जनता उल्टी समझ गई, उन्होंने कहा जी छोड़ मत देना, अनाज इसी के अंदर बंद होगा, आप ही हमको छुपा सकते हो। अरे जो हमारा जवान था उसकी पेंशन खा गई, मतलब विधायक की एमपी की पेंशन और जवान की पेंशन भी, ये देश में चलेगा नहीं, या तो उनकी भी बंद होगी और या उनको भी मिलेगी। ऐसा कैसा हो जाएगा, सांसद और विधायकों को पेंशन और जवान को पेंशन नहीं है, ये भी चलेगा। मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे आवेंगे, इनका इलाज करा जाएगा, इलाज करा जाएगा, इलाज इलाज कराने, पत्थर का गांव था के इलाज करेंगे, जनता ने करा इलाज, उतर अपनी ही धरती पर नहीं उतरेगा। तुमने किसानों के ऊपर अत्याचार करा है, नेशनल हाईवे को खोदने का काम करा, हमारे दिल्ली जाने वाले पंजाब के सरदार और हरियाणा का जो किसान गया उनको लाठी चार्ज करा, उनके ऊपर सुगेश के गोले चलाए, तुम्हें भुगतनी होगी, तुम अपनी ही जमीन पे प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। तुम कब सोगे प्रोग्राम के लिए, जब तक इस समाज से माफी नहीं मांगोगे, अपने कर्तव्य की करतूत नहीं मांगोगे, कोई ये प्रोग्राम नहीं तुम्हें करने देगा। इनसे माफी मांगो, इन बुजुर्गवारों से, उन गुरुद्वारों से माफी मांगो जिनको बदनाम करने की साजिश रची। आप बांटने का काम करते हो, आप हिंदू और मुस्लिम को बांटोगे, आप सरदार और दूसरे जातियों को बांटोगे। सरदार का तो ये हाल कर दिया था कि वो तो 40 साल तक भी पानी नहीं मांगता, उसको देश का गद्दार करार दे दिया था इन्होंने। अगर आप लोग उनके पीछे ना खड़े होते, आपकी उनको मदद ना मिलती, तो बर्बाद हो गया था यहां से देश से सरदार को। हम उनके साथ हैं, खड़े रहेंगे, वो भी किसान है, ये किसान की लड़ाई है, किसी जाति की लड़ाई नहीं है। बट मत जाना, ये बांटने की कोशिश करेंगे, हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, ये तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम कोड़ी भरने की कोशिश करेंगे, नहीं बटेगा। किसान का सवाल है, उसका जवाब सरकारों को देना पड़ेगा। हम जाएंगे, हमारे सारे लोग हम जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, या तो ये समझौता करें, हमारी जो कमेटी है उससे समझौता करें, जो हमारे मुद्दे हैं उनसे बात करें, नहीं बात करेंगे पूरे देश में जाएंगे। पूरे देश का किसान साथ में है, कर्नाटक के अंदर 10,000 ट्रैक्टरों की रैली निकली, छत्तीसगढ़, झारखंड, सब जगह निकल रही, एक बार में नहीं आ रही। आपको नहीं पता, कल वहां का कृषि मंत्री आया झारखंड का, वो जल लेकर आया, उसने कहा कि एक पूरे देश, पूरे प्रदेश के किसानों की तरफ से है, मुख्यमंत्री ने भेजा हूं कि जल लेकर जाओ। जल का महत्व क्या है इस आंदोलन का, इस किसान का जो देवता होगा वो जल होगा। जल ने ही हमको बचाया है, हम उसका सम्मान करेंगे। गुरुद्वारों से जो जल आता है, जो सरोवर का जल होता है, जो गंगा जल होता है, वो आंखों से बरसा है 28 तारीख में। वो जो गुस्सा था पूरे देश के किसानों का, वो जल में संग्रह करा गया। अगर बिजली काटती थी, अगर ये कह देते कि मसाले का जो, तो क्या हाल होता। आपने
पानी बंद करा, इन किसान ने पानी दिया। आपने बिजली बंद करी, हमने मसाल नहीं मांगी, हमने जल मांगा। जल की तासीर ठंडी होती है। मैं नौजवानों से भी चाहता हूँ कि आप अपना गुस्सा और दे दो हमको, जो गुस्सा आप में है उसको छोड़ दो, आप हमको दे दो। अपने जमीन जो आपके खेत है, जो आपके फार्म है, उसमें नंगे पैर चलो, उस जमीन का कॉन्ट्रैक्ट अपने बॉडी से करवाओ, आपकी जमीन नहीं बचेगी। आपका लगा गुस्सा होगा, अगर खेत में जूते पहन कर जाओगे, आपके खेत की मिट्टी आपके पैर के नहीं लगेगी, आपको लगाव नहीं होगा। उस मिट्टी को अपने घरों में, मंदिरों में रखो, अपने घर के पूजा स्थान पर रखो, उस जल को रखो जो आपके खेत में यूज आता है। उसने इस आंदोलन को बचाया, उसी मिट्टी ने इस आंदोलन को बचाया है, उसको याद कर लेना। किसी को आपका घर याद आए, अपने गांव की मिट्टी ले आना, अपने खेत की मिट्टी ले आना, उसको ऐसे दर्पण की तरह अगर देखोगे, शीशे की तरह आपका खेत भी नजर आएगा, आपका गांव भी नजर आएगा। जब आप आंदोलन में कहीं रहोगे तो आपके घर की याद नहीं आएगी, अपने खेत की मिट्टी अपने हाथ में लेकर चलना, यह आंदोलन का इसका हिस्सा रहेगा। नौजवान बहुत जबरदस्त तरीके से, जो नौजवान हरियाणा का है, इस तरह की फौज मिल जाए, हरियाणा की खाप पंचायत मिल जाए, पंजाब जैसा साथी मिल जाए, क्रांतिकारी देश का किसान मिल जाए, इनकी हिम्मत है कि ये बिल वापसी ना लें, ये लेंगे, ये बिल वापसी भी लेंगे, एमएसपी का कानून भी बनेगा, हमारे जो पंच है यही फैसला करेंगे, किसानों के फैसले पंच करेंगे, फसलों के फैसले किसान करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सब लोगों का।